वेलकम। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीज़ समझना है, लंब पूरक कोण और ऋजु पूरक कोण। मैंने इसे सर्कल दिया है, आपको नहीं दे रहा है, मैंने समझाने के लिए इसे करके दिया, ठीक है। लंब पूरक कोण क्या होता है? लंब पूरक, लंब यानी कि 90 डिग्री, तो लंब पूरक कोण बोलिए या पूरक कोण बोलिए, एक ही बात हुआ। तो लंब पूरक कोण, दो कोण को जोड़ेंगे ना, 90 डिग्री होगा ना, तभी उसको क्या बोलते हैं, लंब पूरक कोण। तो लंब पूरक कोण होगा 90 डिग्री का, और ऋजु पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण को ही बोलते हैं समपूरक कोण, ये होता है 180 डिग्री का, यानी कि अंग्रेजी मीडियम में ये होता है कम्प्लीमेंट्री और ये होता है सम्प्लीमेंट्री। तो यदि आपसे कोई पूछे पूरक कोण क्या होता है या कितना डिग्री का होता है, तो आपको बोलना 90 डिग्री का होता है। तो पूरक कोण 90 डिग्री का होता है या लंब पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, एक ही बात है। यानी कि दो कोण को जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा, तो वो जो दो कोण होगा वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, लंब पूरक कोण। दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो वो जो दो कोण होगा एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ऋजु पूरक या समपूरक कोण। कोई दिक्कत कहता वह कौन ज्ञात करें, हमें तो नहीं पता है, तो मैं लिखूंगा माना कि वह कौन, माना कि कौन बराबर, कौन बराबर एक्स डिग्री। अब थीटा भी मान सकते हो, ठीक है, थीटा, थीटा मतलब होता है एंगल, थीटा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे थीटा, थीटा थीटा मतलब होता है कोण। मैं यहाँ एक्स मान लेता हूँ, माना कि कौन बराबर, कोण को मापा जाता है डिग्री में, इसलिए डिग्री। अब यानी कि प्रश्न से, प्रश्न से यहाँ पे क्या करता है, लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण और ऋजु पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण यानी कि समपूरक कोण, ऋजु पूरक कोण का अनुपात, तो अनुपात ये वाला दे दीजिए, अनुपात कितना है, 2:5 है ना। लंब पूरक कोण अनुपात, ऋजु पूरक कोण का अनुपात 2 है, लंब पूरक कोण का अनुपात 2 है, ऋजु पूरक का 5 है। अभी लंब पूरक कोण क्या होगा, हमने क्या बोला, दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा, तो लंब पूरक, तो दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री, तो वहाँ पे एक कोण दिया है, तो 90 में से इसको घटा देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा, दूसरा कोण निकल जाएगा। मान लीजिए मेरे पास और आपके पास दोनों मिला के 5 रुपया है, तो मेरे पास 2 रुपया है, तो आपके पास कितना होगा, 5 × 2 = 3 रुपया होगा। तो उसी प्रकार मतलब दोनों कोण को जोड़ के 90 डिग्री है और एक कोण 1 डिग्री है, घटा देंगे तो जो आएगा वो दूसरा कोण नहीं होगा, वही चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट है। कोण है 1 डिग्री, एक कोण है 1 डिग्री, तो होता है 90 डिग्री जोड़ के, तो 90 डिग्री में से ये वाला 1 डिग्री घटा देंगे तो दूसरा नहीं निकल जाएगा, वही है अनुपात। पूरा क्या होगा, दोनों कोणों को जोड़ के होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री घटा देंगे उसमें से पहला कोण एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अनुपात है, अनुपात को मैं बट्टा लिख सकता हूँ, इसको नीचे में 2 अनुपात है तो मैं बट्टा लिख सकता हूँ। अब इसे मैं करूँगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वर्ग गुणन करने पर, वही कोना कोने तिरछी गुना करने पर, वर्ग गुना गुणन लीजिए, वर्ग गुना करने पर, वर्ग गुणन करने पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, गुना वाले के बाद में ब्रैकेट में देते हैं, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस, 5 को 90 से करेंगे तो 450, प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से करेंगे तो 5x, 2 को 180 से करेंगे, 180 को 2 से करेंगे, 8 × 16 = 360 हो जाएगा। 360 करने का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, आपको घसरा नहीं है इसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो प्लस और माइनस माइनस, 2 का 1 से किए तो 2x, मतलब इसको इसको गुना के दिए, प्लस और माइनस माइनस, इसको इसको गुना के दिए, बराबर तो बराबर, फिर प्लस और प्लस प्लस, छुपा हुआ है नहीं है तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, 2 को 180 से किए दिए, फिर प्लस और माइनस माइनस, 2 का 1 से किए तो 2x। अब x वाला को एक जगह माइनस 5x, और इधर माइनस है बराबर किधर चला जाएगा, तो 2x बराबर, फिर 360 प्लस बराबर किधर चला जाएगा तो माइनस 450, माना एक्स वाला क्यों जगह किया, अंक वाला क्यों जगह, इसको बोलते हैं पंचांतरण या स्थानांतरण, माइनस प्लस माइनस, 5 और 3 = 3x, फिर वही संख्या का बराबर। अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, 360 में से 450 जाएगा, तो 450 बड़ा है तो ऊपर लिख देंगे, 360 छोटा है तो नीछे लिख देंगे, 0 15 तो छोड़ गया तो 9 और ये कट गया, 90 हुआ,
नब्बे नब्बे चिन्ह बड़ी संख्या का, तो साढ़े चार चिन्ह बड़ी संख्या का देते हैं, जैसे कि मान लीजिए माइनस सात है, माइनस पाँच है, तो माइनस माइनस बोला सात पाँच बारह, बारह कौन है, सात का चिन्ह माइनस है, तो चिन्ह बड़ी संख्या का। अब यहाँ पे यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे, क्या जाएगा ऊपर जाएगा और माइनस तीन कहाँ जाएगा नीचे, कट गया कट गया, तीन का तीन तीस होगा, तीस तीन नब्बे तो तीस हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लास्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, आप लिख दीजिएगा अतः वहाँ पे माना कि वह कौन, अतः लिख दीजिएगा अतः वह कौन बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अतः अतः मैं लिख ही दिया, छोड़ो वह कौन बराबर आप एक्स डिग्री माने थे, तो एक्स का मान कितना आया, 30 आया, एक्स डिग्री माने थे ना, तो एक्स तो 30 ऊपर में डिग्री थे, डिग्री दे दीजिएगा, ठीक है। आंसर, थैंक यू।